श्रोमणी अकाली दल ने चन्नी सरकार से वड्डे इल्जाम लगाए ने। इंटेलीजेंस ब्यूरो दा सियासी मुफाद दे लई इस्तेमाल करन दा इल्जाम लगाया गया सत्ता धिर दे उपर। जी हाँ, HS बैंस ने इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां दे उम्मीदवारां दी जासूसी करवाई गई। एक निजी कंपनी मूव डेक हेठ IB अफसरां नूं काम करन दे चन्नी ने निर्देश दिते सी। जी हाँ, वड्डा खुलासा श्रोमणी अकाली दल वल्लों कीता गया कि सत्ता धिर वल्लों विरोधियों की जासूसी तक करवाई गई। अपनियां पार्टियां दे संभावी उम्मीदवारां बारे भी जानकारी इकट्ठी करवाई गई। इस जासूसी दे राही सरकारी मशीनरी दे गलत इस्तेमाल दी चोण कमीशन नूं शिकायत करन दी गल भी कही जा रही है श्रोमणी अकाली दल वल्लों। 1 दिसंबर नूं निजी कंपनी ते अफसरां दी अखीरली बैठक का जिक्र भी करदे विखाई दिते HS बैंस। उन्होंने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए है ता जो सच का सच पूरा सच सामने आ सके। तो वड्डे गंभीर इल्जाम लगाए ने श्रोमणी अकाली दल ने सत्ता धिर कांग्रेस के उपर। इंटैलीजेंस ब्यूरो का सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस से लाए ने। मुख्यमंत्री साहब ने और रंधावा साहब ने एक मीटिंग की इंटैलीजेंस विंग के नाल अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर जिहड़े ने ADGP साहब और AIG साहबान जिहड़े ने उन्हां नाल एक मीटिंग की। और उस मीटिंग इंटैलीजेंस सिक्योरिटी की जिहड़ी मीटिंग है उहदे विच प्राइवेट एजेंसी के बंदे बैठे। उस प्राइवेट एजेंसी का नाम भी थोड़ा दसदा, उनकी डिटेल्स भी सारिया दे रहा मैं। और प्राइवेट एजेंसी सीनियर ऑफिसर साहबान नू यह कहा गया कि ये एजेंसी जिहड़ी है अज तो बाद ऑर्डरस इन्हां तो लैने हैं। और इनफॉर्मेशन की गैदर करनी है, तुसी ये सोच लो कि जे इस काम ते लावांगे तो इंटेलीजेंस होर की कर सकती है। फिर के नॉट ओनली के अकालियां दे किहड़े-किहड़े कैंडीडेट किहड़े-किहड़े प्रोस्पेक्टिव कैंडीडेट किहड़े-किहड़े इंडिपेंडेंट कैंडीडेट हो सकते हैं किहड़े-किहड़े दूजियां पार्टियां दे कैंडीडेट हो सकते हैं उन्हां सारियां दा नॉट ओनली एक कैंडीडेट दा बल्कि हरेक पार्टी दे जिन्ने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडीडेट है एक एक हल्के दे विच अक्सर तुसीं देखदे हो किन्ने किन्ने बंदे टिकट दे चाहवान हुंदे हरेक पार्टी दे विच उन्हां सारियां दी कल्ली कल्ली तुसीं रिपोर्ट गैदर करनी है उन्हां दे खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी दे नॉट ओनली बाकियां पार्टियां दे अपनी पार्टी दे जिहड़े इन्हां दी रूलिंग पार्टी है उहदे जिहड़े प्रोस्पेक्टिव कैंडीडेट किहड़े किहड़े हल्के तों किहड़े किहड़े कैंडीडेट के खिलाफ किहड़ी गल असीं इस्तेमाल कर सकते हैं और किहड़े किहड़े कैंडीडेट नूं जे असीं बनाईए तां उहदे हक च किहड़ी किहड़ी गल कही जा सकती है। इहदे वास्ते स्टेट इंटैलीजेंस जिहड़े अपना IB है पंजाब का जिहदा काम पंजाब दे विच अमन अमान काम कायम करन वास्ते नैसेस। देखो इंटैलीजेंस तो बिना कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती। आपां जाणदे जो भी कोई गल हुंदी आपां कहिंदे ने इंटैलीजेंस फेलियर, वो इंटैलीजेंस फेलियर वो एडवांस गैदरिंग करनी होंदी है सारी उहनूं लाता इस काम पर। मूव डेक कंपनी सी मूव डेक, मैं सारी डिटेल तुहानूं दे रहा जी, रिटन दे रहा सारा कुछ। उस कंपनी का जिहड़ा CEO है उहनूं उस मीटिंग 'च बुलाया, उह तुहानूं सारी डिटेल दे रहा मैं। और उस उहनूं कहा गया कि अज तो बाद तुसीं इस बंदे नूं आंसरेबल हो एक प्राइवेट एजेंसी नूं, वह भी पंजाब तो बाहरली, चलो पंजाब की भी होवे प्राइवेट एजेंसी। फिर उस तो बाद ड्यूटीज़ लाइया गई, उन्होंने सीनियर ऑफिसर साहबान नूं कहा गया कि तुसीं ड्यूटीज़ लाओ साढ़े सामने, फोन किए गए। ऑफिसर साहबान नूं कहा गया कि यह सारी इन्फॉर्मेशन तुसीं कित्थे शेयर करनी है, नॉट विद दी पुलिस डिपार्टमेंट, नॉट विद दी IG हैडक्वार्टर्स, बट ऑन द वैबसाइट ऑफ द कंसर्न कंपनी। प्राइवेट वैबसाइट के उत्ते इंटैलीजेंस गैदरिंग जिहड़ी ऑफिसर्स वल्लों सांझी करनी सी वो मूव डेक की वैबसाइट के उत्ते करनी जिहड़ी कीती गई। असी हुण ये कहने आ कि आ तरीका ने जो तुसीं मीटिंगां कीतियां ने, आ थोड़े ऑफिसर साहिबान उत्थे सीगे, उन्हां सारिआं दे कॉल डिटेल्स लै लो और आ वैबसाइट है उन्हां दी, उस वैबसाइट नूं जिहड़ा उहदी पूरी इनकुआरी होवे। नंबर 1 असीं इलैक्शन कमीशन नूं कंप्लेट कर रहे हैं कि दिस इज़ एन एबसोल्यूटली ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। ये तो बाहर फ्री एंड फेयर इलैक्शन किवें हो सकती है, पंजाब हारनगे फिर भी, ये तो उन्होंने डर का जोड़ा सबूत से उन्होंने डर का
लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे विच जे सीधी सीधी इंटरफेरेंस नहीं है ऑफिशियल मशीनरी की तो होर की होंदी है।